नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने MGM कॉलेज का किया निरीक्षण। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग अभियान निदेशक NHM जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक सिटी SP रहे मौजूद। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन द्वारा MGM मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 शैया अस्पताल के OPD सेवा का शुभारंभ एवं उद्घाटन 5 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है। इसी क्रम में श्री बन्ना गुप्ता माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा MGM कॉलेज परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया। मौके पर प्रधान सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड श्री अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक NHM श्री अबू इमरान, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में माननीय मंत्री द्वारा उच्च स्तरीय बैठक कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया तथा भवन निगम के अभियंता प्रमुख, कार्यदायी एजेंसी LNT के प्रतिनिधियों से कॉलेज निर्माण संबंधी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में माननीय मंत्री ने कहा कि 751 बेड का MGM अस्पताल वर्तमान में बन चुका है। 131 बेड ICU, 620 बेड जनरल होंगे। इसी के साथ साथ 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी अलग से बनाया जा रहा है, जिससे अस्पताल की कुल कैपेसिटी 851 बेड की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल के निर्माण से कोलान के साथ साथ आसपास के जिलों के मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। अस्पताल के सुव्यवस्थित एवं बेहतर संचालन को लेकर समीक्षा किया गया तथा शेष जो संसाधन जरूरी है उस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये अस्पताल कोलान वासियों की सेवा में समर्पित होगा। मौके पर CT SP ऋषभ गर्ग, SDM दालबम श्रीमती शताब्दी मजुमदार, सिविल सर्जन पूर्वी सिंहभूम डॉक्टर साहिर पाल, सिविल सर्जन पश्चिमी सिंहभूम डॉक्टर जुझार माझी, NDC श्री डेविड बलिहार, जिला योजना पदाधिकारी श्री अरुण द्विवेदी समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए, आज ये 751 बेड का ये हॉस्पिटल वर्तमान में बन चुका है, जिसमें 131 बेड ICU के हैं और 620 बेड जनरल है। इसी के साथ साथ 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी हम लोग अलग से लगा रहे हैं, मतलब फुल कैपेसिटी इसकी हो जाएगी 851 बेड की। और एक अलग से इसमें कैथ लैब भी बन चुका है। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग के हमारे कप्तान, हमारे प्रधान सचिव बड़े भाई अजय सिंह जी के अध्यक्षता में एक बैठक, हाई प्रोफाइल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे NHM के डायरेक्टर अबू साहब, हमारे जिले के उपायुक्त SSP साहब, CT SP साहब, हमारे सारे प्रिंसिपल, सुप्रिंटेंडेंट, सभी HOD, बिजली विभाग के बड़े अधिकारी, PhD के बड़े अधिकारी, भवन निर्माण के इंजीनियर इन चीफ के साथ साथ LNT जिसने इस अस्पताल को बनाया है, वो सारे अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बहुत क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजों की विवेचना की है कि इसको हम व्यवस्थित तरीके से किस तरीके से इसको हम चलाएंगे। और इसका जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस अस्पताल का उद्घाटन भी होने की पूरी संभावना है। इसी परिपेक्ष में, चूंकि जब एक कोई बड़ी व्यवस्था, मैं समझता हूं कि कोलहान में एक तरफ ये आपको 851 बेड का ये अस्पताल और दूसरी तरफ साक्षी में बन रहा है 500 बेड का हॉस्पिटल, तो निश्चित तौर पर ये मैं समझता हूँ कि ये जमशेदपुर के लिए ही नहीं बल्कि कोलाहान और झारखंड के लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगा। और ये गरीबों के लिए एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा कि जो हमारे रोगी हैं, गरीब रोगी हैं,
वो इस अस्पताल में आएंगे तो उनके चेहरे पर जाते समय मुस्कान रहेगी। और ये बिल्कुल ये हॉस्पिटल बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का भी ये कान काट रहा है। और ये हॉस्पिटल आप यदि पूरा घूम के देखेंगे तो ये हॉस्पिटल बिल्कुल 5 स्टार की तरह जो है, ये हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और हमारी सरकार ने इसको अक्टूबर माह में 2020 में इसको चालू किया था और आज ये हॉस्पिटल करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। और जो भी इसमें शेष चीजें हैं, कुछ कुछ और भी हम लोगों ने इसमें नए इनोवेशन किए करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को विचार किया है कि कैसे हमारा जो है कैंटीन वगैरह जो है कैसे बढ़िया होगा, कैसे हमारा जो है पार्किंग का सिस्टम होगा, कैसे हमारी सुरक्षा के मानक होंगे। तो सभी चीज़ों पर चूंकि हमारे SSP भी हैं, CTSP साहब भी हैं, DC साहब भी हैं, हमारी SDM मैम भी हैं, हमारे प्रधान सचिव हैं, NHM डायरेक्टर साहब हैं, तो पूरा का पूरा महकमा लगा हुआ है कि सभी चीज़ों को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त करते हुए हम इसको जो है जल्द ही जो है जनता को समर्पित करेंगे ताकि ये जो है जनता के लिए स्वास्थ्य लाभ की दिशा और दशा में ये एक सशक्त माध्यम बनेंगे। अब देखिए संभावना संभवता या तो 5 को या 7 को या 8 को जैसी माननीय मुख्यमंत्री की लगातार बहुत जो है उनकी व्यस्तता है। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार राज्य जो है चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है और विभिन्न सारी योजनाओं को हमारी सरकार जो है जनता का जनता के लिए जनता के हित में लगातार प्रयास कर रही है। तो इसलिए जो भी हमारे इस अवधि के शेष कार्यकाल बचे हैं उसमें हम सभी हमारे माननीय मंत्रिपरिषद के सदस्य जी जान लगाकर हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि जनता के लिए कोई भी ऐसा काम है जो हम कर सकते हैं वो छूट नहीं जाए। हालांकि भविष्य में फिर हमको पूर्ण विश्वास है कि झारखंड की महान जनता हमको फिर से बहुमत की सरकार बनाने का मौका देगी, लेकिन हम इस सरकार के एक दिन को भी जाया नहीं करना चाहते।